हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डेफ जो फंक्शन होता है, फंक्शन की मदद से मैंने यहाँ कैलकुलेटर बनाया और ये कैलकुलेटर चॉइस के आधार पर आपको रिजल्ट देगा। अब इस प्रोग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगर आप इसमें वन एंटर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है। फिर टू एंटर करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, वन एंटर करने पे ऐड करेगा, देख ही रहे हैं, ठीक है। थ्री एंटर करने पे मल्टीप्लाई करेगा और फोर एंटर करने पे डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज इंटर नहीं करते हैं तो यहाँ पर एक इनवैलिड के लिए भी मैंने दिया है। तो अभी इसको एक बार, वैसे सेव तो हो चुका है, एक बार फिर से सेव कर देते हैं। फिर यहाँ रन पे चल के रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑपरेशंस। ऐड करना है तो वन, सब्ट्रैक्ट करना है तो टू, मल्टीप्लाई करना है तो थ्री, डिवाइड करना है तो फोर। तो चलिए आइए एक बार हम वन प्रेस करते हैं, ठीक है। वन प्रेस किया, वन प्रेस किया तो यहाँ पर अब दो नंबर्स को हम एंटर करना है। पहला नंबर एंटर किया 55 और 55 में सिर्फ 5 ही हम ऐड करना चाहते हैं क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वो ऐड का है। तो यहाँ पे देखिए ये 55 को और 5 को ऐड करके दे दे रहा है 60। यहाँ पर हमने फ्लोट यूज किया है क्योंकि हो सकता है कि यूजर जो है डेसिमल वैल्यूज भी एंटर करे, तो इसीलिए इसमें फ्लोट यूज किया है, ठीक है। अब ये कह रहा है लेट्स डू नेक्स्ट कैलकुलेशन। अगर आप नेक्स्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे वाई प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस किया, ठीक है, तो आगे आपको ले जाएगा। फिर कहेगा एंटर योर चॉइस। तो इस बार हम दो एंटर करते हैं तो यहाँ दो एंटर किया मैंने और जैसे ही दो एंटर करेंगे तो कह रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे 6 एंटर किया, एंटर द सेकंड नंबर, तो यहाँ पे 2 एंटर किया, तो इसका सब्ट्रैक्शन होके आ गया। फिर ये पूछेगा हमसे कि लेट्स डू नेक्स्ट कैलकुलेशन, तो अभी तो करना ही है, तो यहाँ पे फिर वाई प्रेस किया मैंने और वाई प्रेस करने के बाद यहाँ पर अब प्रेस कर देता हूँ 3। तो जैसे ही 3 प्रेस करेंगे तो फिर ये कहेगा, तो यहाँ पे 6 प्रेस किया और 9 प्रेस किया, तो अभी ये क्या करेगा कि ये मल्टीप्लाई करके हमें दे देगा। फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन तो करना ही है, तो फिर इस बार यहाँ पे क्या करते हैं 89 करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 89 प्रेस किया तो यहाँ पे इनवैलिड इनपुट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर 2 प्रेस करते हैं तो फिर वही सब्ट्रैक्शन वाला आएगा, तो 66 में से 3 माइनस कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है, 63 आ रहा है। कैलकुलेशन करना है, आगे बढ़ते हैं। इस बार मैं क्या करता हूँ 89 करता हूँ और देखिए 89 जैसे किया मैंने तो ये देखिए ये इनपुट इनवैलिड इनपुट अपने आप आने लगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको, फिर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है और इस बार मुझे 4 टाइप करना है क्योंकि 4 में ही हमारा डिवीजन होगा। तो यहाँ पे अब क्या करता हूँ, यहाँ पे 77 कर देता हूँ और इसको 2 से डिवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए रिजल्ट जो है डेसिमल में भी आ जा रहा है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। आप इस प्रोग्राम को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार इसे देख लीजिए। यहाँ पर डेफ कीवर्ड का यूज किया है, फिर इस तरीके से मैंने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। तो आई होप कि अच्छी लगेगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।